हमारी जो इलेवेंथ है सर वो फुली बर्बाद है. फिर हाउ टू मैनेज इलेवेंथ विद ट्वेल्थ, हाउ टू मैनेज या फिर इंप्रूव क्लास इलेवेंथ विद ट्वेल्थ. ट्वेल्थ आपकी चल रही है बट टिल देन इफ यू हैव सम टाइम टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. तो बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्स्टेंट सवाल आ रहा था कि सर हम कैसे इसको मैनेज करें, आप एक बार थोड़ा बताइए प्लीज. तो स्टार्ट करने से पहले भैया ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द गोल्डन थिंग, समझ में आया, इस बात को कभी मत भूलना. ट्वेल्थ इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी टिल सिलेबस कंप्लीशन. जब तक ट्वेल्थ का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारी पहली प्रायोरिटी ट्वेल्थ है. ट्वेल्थ है मतलब कि जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या आप उसके अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्या आप उसकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उसका मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं. अगर ये तीनों कैटेगरी तीनों सब्जेक्ट्स में आप टिक लगा दे रहे हो तब आपको आगे बढ़ना है. अगर आपका एक भी जगह टिक नहीं है कि सर लेक्चर तो देख लेता हूं, नोट्स बना लेता हूं, डीपीपी सॉल्व कर लेता हूं बट मॉड्यूल तक नहीं पहुंचता हूं, तो रुक जाइए. कई लोग तो है वो लेक्चर देखने को ही सफिशियंट मानते हैं कि बस लेक्चर देख लिया मतलब काम खत्म. नहीं जी, दिस इज इनसफिशियंट, इससे काम नहीं चलेगा. आपको अपनी कलम घिसनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कलम घिसोगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक का साइज कम होता जाएगा, कम कलम घिसोगे तो वो बढ़ता जाएगा. लाखों में भी रैंक आती है, ठीक है, हजारों में भी आती है, ट्रिपल डिजिट में भी आती है, सिंगल डिजिट में भी आती है, डबल डिजिट में भी आती है. तो भैया फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, क्लास ट्वेल्थ ओनली. अब इसके बाद में दो वैरायटी बची, एक वो जो बोलेगी इलेवेंथ फुल बर्बाद, हमें कुछ नहीं आता ना, हमने दो वैरायटी है इसमें भी कि सर हमने पिछले साल पढ़ा था कहीं से भी, यहां से अर्जुना से या कहीं और से, बट हमें कुछ नहीं आता, हमने पूरी मक्कारी की, हमने एकदम बोलते ना एकदम पेट भर के हमने मक्कारी की, हमें कुछ नहीं आता. या फिर जो लोग बोलेंगे सर हमने इलेवेंथ में कभी कोचिंग की नहीं, तो इलेवेंथ फुल बर्बाद. जबकि दूसरी कैटेगरी है वो ये बोलेंगे सर हमने इलेवेंथ पढ़ी है, हमने अपना हार्डवर्क वहां दिया था, हमें सिर्फ कुछ चीजें रिवाइज करने की जरूरत है. तो जो इस कैटेगरी में लायक करते हैं, जो बोलेंगे इलेवेंथ फुल बर्बाद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास क्लास इलेवेंथ के अर्जुनास के लेक्चर्स का एक्सेस है, जाइए वो लेक्चर देखिए. और कब देखने हैं वो आपको लेक्चर, जब आपके पास फ्री टाइम हो, दैट इज सैटरडे संडे. जैसे अभी ईद की छुट्टी आने वाली है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर लेक्चर पूरे पूरे देखें या वन शॉट, दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी. आपको अगर वन शॉट से पूरा समझ में आता है, यूट्यूब पे जो अपने लेक्चर्स अपलोडेड हैं, अगर आपको वन शॉट से लगता है कि यस आपने टॉपिक ग्रैब कर लिया है तो वन शॉट के लेक्चर देख लो चाहे, बट इफ यू वांट डिटेलिंग चाहते हो तो आप पूरे क्लास 11th के अर्जुना के लेक्चर देखो स्पीड 2x पे करके, तो ये देखो या ये देखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगर वन शॉट से आपका काम चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप रिदम में आ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी ठीक है. ठीक है, अब आता हूं दूसरी वैरायटी पे, जो इस वैरायटी की है, जो सर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, समझ में आया, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है. हमारी चीजें थोड़ी थोड़ी धुंधली हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें वो पढ़ी नहीं है, तो कुछ नहीं, अलमीरा से कॉपी निकालो इलेवेंथ वाली, धूल झड़काओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो. गो थ्रू नोट्स, यहां पे मैंने लिखा है लेक्चर, यहां लिखा है नोट्स, रिवाइज करो फॉर्मूले, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, देखो और फिर डीपीपी प्लस एक्सरसाइज वन ऑफ मॉड्यूल आप ये सॉल्व करनी स्टार्ट करो. दिस इज द कंप्लीट गेम प्लान फॉर हाउ टू मैनेज 11th विद 12th. पॉइंट नंबर वन, दैट इज दिस. इसके आगे आप तभी बढ़े जब मैंने आपने उन तीनों पे टिक कर लिया हो कि सर अभी रनिंग क्लास में हमारी डीपीपी नोट्स और मॉड्यूल कंप्लीट चल रहा है, क्या हम अब इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. तब अगर आपके एक भी टिक, मतलब टोटल 9 टिक होगे ना, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3, मैथ्स में 3, 9 में से अगर आप 8 टिक पे भी हो तो भी मत जाना. फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, बोर्ड्स है इस साल और 12th का वेटेज 11th वाले वेटेज से ज्यादा होता है. मैं मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 12th की मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आजकल तो 50-50 भी बोल सकते हो, बट यस इसको आप भारी मान के चलिए, क्लास होती है भारी, समझ गए, ज्यादा वेटेज है बोर्ड्स में, है जेई मेंस में, है जेई एडवांस में भी है, समझ पा रहे हो.